हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर का स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मतलब मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, और उस मेमोरी में सारे प्रोग्राम्स, सारी फाइल्स हम स्टोर करके रखते हैं। हर एक तरह की फाइल्स हम उसमें कंप्यूटर में स्टोर कर रखते हैं। हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हम उसपे इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ कहाँ पर स्टोर होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं। हार्ड ड्राइव की अलग अलग कैपेसिटीज होती है। कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में सपोज एक वाटर टैंक होता है, राइट। तो वाटर टैंक का एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि 200 लीटर से लेके 1000 लीटर तक की कैपेसिटी, 2000-5000 लीटर तक की कैपेसिटी होती है। हम उतना ही पानी, उतना ही वाटर उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरह से हर एक कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो हार्ड ड्राइव होता है, उसकी भी कैपेसिटीज होती है। कैसे हम मापते हैं वो हम आज देख लेंगे। तो टेक्निकली क्या होता है कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम किस में उसे मापते हैं? लीटर्स में, राइट। ऑयल हो गया, हम लीटर्स में। कोई भी लिक्विड चीज़ होता है तो हम उसे मोस्ट प्रॉब्ली से मेजर करते हैं, किससे मापते हैं? लीटर्स से। फॉर एग्जाम्पल हम वेजिटेबल ले रहे हैं, हम उसे किलो में मेजर करते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी जब हम कोई भी फाइल्स या प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हम एक मेजरमेंट में मापते हैं, मेजरमेंट में मेजर करते हैं। तो उसे हम कहते हैं बाइट्स। तो जो कुछ भी कंप्यूटर में हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, अंदर डालते हैं, तो उसको हम बाइट्स में मेजर करते हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है? तो ये मेजरमेंट क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, और इन सब मेजरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम देख लेंगे। तो बिना देर करे हम हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, तो हम हार्ड ड्राइव के बारे में जान रहे हैं आज कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप हार्ड डिस्क ड्राइव का एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हार्ड डिस्क ड्राइव एक्चुअली होता क्या है। तो ये हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये क्या होता है एक्चुअली? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, करेक्ट, जहाँ पर क्या होता है हर एक डिजिटल इंफॉर्मेशन सेव किया जाता है, करेक्ट। क्या सेव किया जाता है? हर एक डिजिटल इंफॉर्मेशन सेव किया जाता है। तो उस डिजिटल इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारी म्यूज़िक फाइल्स हो सकती हैं, हमारे वीडियोस हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है? हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती है, ठीक है। और सीडी की जैसी, आपने सीडी तो देखा होगा, ऐसी डिस्क बनी हुई होती है, इसलिए उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है ना। तो ये जो डिस्क होती है इसमें सारे इंफॉर्मेशंस हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव की जो टेक्नोलॉजी है, अभी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। अब क्या हो रहा है कि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इस नई टेक्नोलॉजी में अभी उन्होंने क्या किया है कि हार्ड डिस्क भी नहीं लाए हैं। अब उसको नाम दिया है SSD। क्या नाम दिया है? SSD। देख लेते हैं हम SSD भी कैसी होती है। ओके, तो ये है हमारी SSD, ठीक है। तो ये SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब ये क्या था? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर गोल गोल डिस्क होती है जो रोटेट होती है, जो गोल गोल घूमती है, ठीक है। इसलिए ये इसका नाम क्या है? HDD। अब इसका नाम क्या है? SSD। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि वो रोटेट नहीं हो रही है, वो मूव नहीं हो रही है, लेकिन वो किस स्टेट में है, किस पोजिशन में? सॉलिड, करेक्ट। यानी कि वो मूवेबल नहीं है, गोल गोल नहीं घूम रही, इसके वजह से वो, उसको नाम दिया गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो स्थाई रूप से वो एकदम परमानेंट है, वो रोटेट नहीं हो रही है, लेकिन ये रोटेट हो रही है, इसलिए इसका नाम है HDD। दोनों का काम क्या है? सेम,
डिजिटल इंफॉर्मेशन सेव करना। बट इसका एडवांटेज क्या है, जब इसमें कोई भी प्रोग्राम्स कोई भी फाइल्स हमारी स्टोर होती है तो जब हम उसको एक्सेस करते ओपन करते तो वो स्पीड में ओपन होती है, ज़्यादा स्पीड में ओपन होती है, ठीक है। और SSD का थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कि जो भी प्रोग्राम्स डिजिटल फाइल डिजिटल इंफॉर्मेशन जो इसमें स्टोर होती है वो कंपेयरिंग टू SSD स्लो ओपन होती है। तो इसके लिए आज जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं उसमें हम SSD ड्राइव देखने को मिलता है। और जब भी आप कोई नया मशीन लोगे तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, जब नया लैपटॉप या नया कंप्यूटर लोगे तो उसमें देखना कि आप SSD ड्राइव आई हुई हो, ठीक है। अब हम जो इसकी कैपेसिटी होती है यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की सेम है, दोनों भी जो भी डेटा इसमें हम स्टोर करते हैं वो बाइट्स में ही स्टोर होता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि वो बाइट्स क्या होता है। अभी यहाँ पर देखो डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया, हार्ड ड्राइव इज़ अ हार्डवेयर कॉम्पोनेंट दैट स्टोर ऑल योर डिजिटल कंटेंट। तो क्या डिजिटल कंटेंट हो सकता है, योर डॉक्यूमेंट पिक्चर म्यूजिक वीडियो प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके ठीक है। तो वो हार्ड ड्राइव हो गया, और हार्ड ड्राइव में इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसे कहते हैं इंटरनल, अंदर की हार्ड ड्राइव, और कभी कभी हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैंने SSD का भी यहाँ पर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, SSD आर जनरली फास्टर एंड मोर रिलायबल देन HDD बट ऑल्सो एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है बट उसका एडवांटेज क्या होता है, वो फास्ट बूट करती है, हर एक प्रोग्राम्स लोड जल्दी करती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका बहुत ही अच्छा होता है ना। ओके तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, अब हम देखते हैं उसकी कैपेसिटी क्या होती है। स्टोरेज कैसा होता है, डिजिटल जो भी हम स्टोर करते हैं उसका मेज़रमेंट क्या होता है, उसकी साइज़ हम कैसा मेज़र करते हैं, तो वो हम मेज़र करते हैं बाइट्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई वाटर या ऑयल या कोई भी लिक्विड आइटम्स हम मेज़र करते हैं मार्केट में तो उसे हम लीटर में मेज़र करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल लेते हैं किलो में हम मेज़र करते हैं। तो उसी तरह से हम जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन या डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो किसमें स्टोर करते हैं, बाइट्स में, ठीक है। अब ये सपोज टू एक बाइट्स हुआ, अब इसको मेजरमेंट में आपको आगे बढ़ाते जाता है, जैसे कि ये 1 byte मैंने लिखा यहाँ पर तो 1 byte। तो यहाँ पर डिजिटली क्या होता है, बाइट्स में कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसको MB में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 1 GB में कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम 1 TB, हम अब 1 TB तक ही देखेंगे, तो 1 bytes, 1 MB, 1 GB। अभी मोबाइल्स में भी अगर आपके पास मोबाइल्स हैं तो आपको ये फेमिलियर लगेगा, ये जो वर्ड है GB फेमिलियर लगेगा, क्योंकि अभी नॉर्मली हमारे पास मोबाइल जो है वो 32 GB से लेके 500 GB तक के अवेलेबल है, राइट। तो ये आपको फेमिलियर लगेगा, लेकिन ये सब नया है आपके लिए, बाइट्स मेगाबाइट्स है ना और टेराबाइट्स। तो बट क्या होता है कि ये 1 GB कैसे बनता है, कैसे बनता है, जब 1024 bytes का डेटा ओके एक डिजिटल फाइल्स बनाते हैं, कितने बाइट्स की, 1024 bytes का, सॉरी यहाँ पर मैं स्पेलिंग लिख, डाटा की एक डिजिटल फाइल बनाती है। तो वो क्या होता है, वो कितने कितने में कन्वर्ट करता है उसको, 1 MB, समझ में आ रहा है। जब हम क्या करते हैं 1024 bytes का डेटा, डिजिटल डेटा, जब हम किसी कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो क्या बनती है, 1 MB की कैपेसिटी वाली फाइल्स बनती है, जो भी होगा वो, ओके। अब जब हम 1024 MB का मतलब फुल फॉर्म हम अब देख लेते हैं, मेगा बाइट्स,
कोई भी डिजिटल डेटा हम स्टोर करते हैं तो जाके वो क्या होता है 1 GB की कैपेसिटी वाली फाइल्स बनती है। समझ में आ गया? तो जब हम आप जब भी आप देखोगे कि कोई भी पिक्चर फाइल आपके मोबाइल में स्टोर है तो अगर आप उसके इंफॉर्मेशन में जाओगे पिक्चर्स की मोबाइल की कोई भी पिक्चर ओपन करो आप अपने मोबाइल में और वहाँ पर आप जब किसी भी पिक्चर में जाके उसके इंफॉर्मेशन में जाएंगे सेलेक्ट करके तो उसमें वहाँ पर उसकी उसका डिजिटल मेजरमेंट लिखा होगा कि वो जो पिक्चर फाइल है कितने मेगाबाइट्स की है या कितने बाइट्स की है। तो उसी तरह से जब 1024 GB हम कोई डिजिटल डेटा स्टोर करते हैं हार्ड ड्राइव में हार्ड डिस्क में तो वो बनती है 1 TB। TB का मतलब क्या होता है, क्या हो जाता है वो टेराबाइट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया टेराबाइट्स। तो अभी आपको समझ में आ गया स्टोरेज का मेजरमेंट हम कैसा करते हैं। एक बाइट्स हम जो भी डिजिटल फाइल स्टोर करते हैं वो बाइट्स पे हम स्टोर करते हैं। 1024 बाइट का एक कोई भी डिजिटल डाटा होगा जब हम उतनी साइज की फाइल हम डिजिटल डाटा हम स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में तो कितने MB की बनती है, 1 MB की बनती है। जब हम 1024 MB का डाटा डिजिटल डाटा हम स्टोर करते हैं तो क्या होती है 1 GB में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम 1 GB में 1024 GB का डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या मोबाइल में स्टोर करते हैं तो वो 1 TB में 1 TB में स्टोर होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हार्ड डिस्क, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कुछ भी अगर क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, ओके? तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी मशीन है ओके, इसमें कितने साइज़ का स्टोरेज हमने रखा हुआ है, कितने साइज़ की हार्ड डिस्क रखी हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम जा सकते हैं ये जो हमारा PC है उसमें अगर हमें देखना है कि हमारा कंप्यूटर हमने कितना कितना हार्ड डिस्क हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ पर हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारा कितनी बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ये दिख रहा है आपको डिस्क 0 बेसिक 913.39 GB ऑनलाइन। तो टेक्निकली ये हमारा मेन हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और इस हार्ड ड्राइव में इस कंप्यूटर में हमने 1 TB की हार्ड डिस्क डाली हुई है। 1 TB यानी कितनी GB, 1024 GB। अभी यहाँ पर सिर्फ 931 दिखा रहा है क्योंकि क्या होता है कि समटाइम वहाँ पर जब हम फिज़िकली हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं तो कुछ हार्ड ड्राइव का जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिस्टम ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो पूरा हार्ड ड्राइव यहाँ पर नज़र नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर एक स्लाइडली हम उसमें एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कितने GB की हार्ड डिस्क यहाँ पर हमने लगाई होगी क्योंकि हार्ड डिस्क 931 की नहीं आती है, आइदर 500 GB की आएगी या फिर 1024 GB यानी 1 TB की आएगी। तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी एक हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल्ड है और उसका कैपेसिटी है 1024 GB यानी 1 TB। क्या होता है हार्ड ड्राइव? डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए होता है, राइट? हमने हार्ड डिस्क के दो टाइप देखे, एक SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव और एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और SSD ये न्यू टेक्नोलॉजी है, करेक्ट? HDD का डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये रोटेट होती है, ठीक है, और इसमें जो स्टोर किए हुए प्रोग्राम्स या फाइल से थोड़ा सा कंपेयरिंग टू SSD स्लो ऑपरेट होती है और SSD में जो भी प्रोग्राम्स या फाइल्स हम स्टोर कर रखते हैं वो कंपेयरिंग टू HDD से फास्ट एक्सेस होती है। आज जितने भी नए लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में ज़्यादातर जगह पर हम SSD का इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है। आपको भी अगर नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेना है तो देखिए कि आप SSD वाला लैपटॉप या कंप्यूटर ही लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD ड्राइव में क्या फ़र्क होता है, SSD ड्राइव में क्या फ़र्क होता है और दोनों ड्राइव का यूज़ क्या होता है, ठीक है। डिजिटल जो डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो स्टोरेज का जो लेक्चर था, हार्ड ड्राइव का जो लेक्चर था, उसका लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।